सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से, मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय में प्रमुख भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने कैलेंडर शैली के जनक एवं भारत में तेल चित्रण के अग्रदूत राजा रवि वर्मा का अध्ययन किया, जिन्होंने भारतीय विषयों को विदेशी यूरोपीय तकनीक में तेल चित्रण में चित्रित किया। आज हम अध्ययन करेंगे प्रमुख भारतीय चित्रकार यामिनी राय का। यामिनी राय ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कला को सरल रूप प्रदान किया। इन्होंने लोक कला को अपनाया एवं अपने सस्ते और सहज माध्यमों द्वारा उन्हें चित्रित किया। इन्होंने बिल्कुल सस्ती कला सामग्री अपनी कला में अपनाई थी। तो चलिए आज हम अध्ययन करेंगे यामिनी राय के बारे में। यामिनी राय ने लोक कला को अपना मूल आधार बनाकर उसमें आधुनिकता की सांस फूंक दी थी और प्रारंभ में इन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग्स में कला साधना की शुरुआत की थी। तत्पश्चात भारतीय कला को एक नया मोड़ दिया और माटी की गंध को अनुभव कर देश के विशुद्ध बंगाल के लोक कला रूपों को इन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया। इन्होंने जो चित्रों का विषय बनाया वो बंगाल के लोक कला रूप थे। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जनपद के ग्राम वेलिया तोर में सन 1887 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता राम रतन राय एक आदर्शवादी कला प्रेमी और धनी जमींदार थे। यामिनी राय की कलात्मक रुचि के अनुसार इनकी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में हुई। उस समय का यह एक समृद्ध कला विद्यालय था जहां पर कला की बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती थी और यहां इन्होंने अकादमिक पद्धति, शास्त्रीय पद्धति और तेल चित्रण में कार्य सीखा। वहीं पर ये एक महान कलाकार अवनिंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में भी आए और इन्होंने उनके सानिध्य में बंगाल शैली में चित्रण किया। किंतु कला विद्यालय के बंधे हुए वातावरण के कारण उन्होंने अध्ययन को बीच में ही त्याग दिया, क्योंकि वे तत्कालीन कला शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को निश्चित सीमाओं में बांधना नहीं चाहते थे। वो खुलकर चित्रण करना चाहते थे, इसलिए वो कला विद्यालय के बंधे हुए वातावरण से निकलना चाहते थे। उनको वहाँ पे घुटन होती थी और वे उन्होंने अध्ययन को बीच में ही त्याग दिया और वे तत्कालीन कला शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए और स्वतंत्र रहकर मौलिक सृजन करना चाहते थे। ये तो हो गया इनका जन्म और कला शिक्षा के बारे में। अब पढ़ते हैं इनका लोक चित्रण के प्रति जो लगाव हुआ उसके बारे में। अध्ययन के पश्चात इन्होंने व्यावसायिक चित्रकार के रूप में लिथोग्राफी के छापाखानों में कार्य किया और व्यक्ति चित्र तथा प्रभाववादी दृश्य चित्र भी इन्होंने निर्मित किए। 1910 के बाद यामिनी राय ने इन सभी परंपराओं को त्याग दिया तथा इनका ध्यान बंगाल की लोक कला एवं बिहार की पट चित्रण कला की ओर आकृष्ट हुआ। अब इनका पूरा ध्यान बंगाल की लोक कला और बिहार की पट चित्रण कला की तरफ था। यामिनी राय बंगाल तथा बिहार के अनेक गांवों में ग्रामीण लोक कला के अध्ययन के लिए गए, जिससे उनको ज्ञात हुआ कि परंपरागत ग्रामीण लोक कलाकारों ने अनायास ही आकारों, रंगों तथा छंदों के रहस्यों को प्राप्त कर लिया है। मतलब उन्होंने जो ग्रामीण उन क्षेत्रों का अध्ययन किया, बंगाल और बिहार के गांवों का अध्ययन किया, तो उनको ज्ञात हुआ कि गांव की जो महिलाएं हैं
उन्होंने तो कोई कला की शिक्षा नहीं ली, फिर भी वो अपने घर की दीवारों पर, फर्श पर, है ना, ऐसे अलग अलग तरह के अलंकरण निर्मित करती थी, घरों को सजाती थी। मतलब वहाँ की कला कुछ अलग ही थी और उनको देखकर वो आकर्षित हुए। उसके पश्चात यामिनी राय ने लोक कला के अभिप्रायों, प्रतीकों, रेखांकनों तथा वर्ण योजनाओं को ग्रहण कर अपनी नवीन चित्रात्मक शैली में उन्हें सुसज्जित करने का प्रयास किया। और यद्यपि उन्हें कला विद्यालय में अध्ययन के समय ही सभी कार के रूप में जाना जाने लगा था, सभी कार मतलब व्यक्ति चित्रकार, परंतु कालांतर में अनेक देशी तथा विदेशी कलाकारों ने उनकी कला को जाना तथा अनेक कलाकारों ने उनकी प्रशंसा भी की। अब हम पढ़ेंगे यामिनी राय की लोक कला पर आधारित शैली और उनको जो मिली प्रेरणा वो कहां से मिली। यामिनी राय के चित्र आदर्श चिंतन एवं लोक जीवन की अनुभूति से सरोवर है। इनकी कृतियों में बाल सुलभ भोलापन एवं चपलता है, साथ ही चित्रों में सरल ग्राम्य सादगी तथा सच्ची सहज अभिव्यक्ति है। इन्होंने कहा भी है कि मेरी कला वैसी ही है जैसे कोई बच्चा हो जिसे हर कोई अपनी गोद में उठा लेता है। जब आदमी मार्ग भूल जाता है तो चारों तरफ अंधियारा हो जाता है, तब बालक से मदद मिलती है। सबसे भीतर जो आत्मा है वह बालक है, अर्थात इन्होंने अपनी कला को एक बच्चे के समान बताया, यानी इनकी कला इतनी सरल थी कि उसको एक बच्चा भी निर्मित कर सकता है। यामिनी राय ने लोक कला की परंपरा से प्रेरित होकर एक विशिष्ट शैली का विकास किया, जिसमें कुंडलित चित्र, कालीघाट के चित्र, पूजा की मूर्तियां, गुड़िया आदि में ताजगी व शक्ति के कलात्मक गुणों के साथ कांथा व अल्पना कला के, ये वहाँ की लोक कला है, कांथा व अल्पना कला के गुणों को भी संश्लेषित किया। इस तरह से सभी है चित्रांकन, प्रभाववादी चित्रण व बंगाल शैली की सर्व संग्रह कला उन्हें आकर्षित नहीं कर पाए। वस्तुतः तत्कालीन कला परिदृश्य में विविध शैलियों के मध्य विरोध व्याप्त था, जिसे तोड़ने के लिए यामिनी राय लोक कला की देशज परंपराओं की ओर मुड़ गए। अतः इन्होंने अपने कलाकर्म को पटुआ अर्थात बंगाल के लोक कलाकारों के समकक्ष ला खड़ा कर दिया। वह एक ही विषय पर बनाई जाने वाली अपनी कई कई कृतियों को पटुआ की मनोवृत्ति से जोड़ने लगे। ये पटुआ कला बंगाल की ही कला है, वही की लोक कला है। अब हम पढ़ेंगे यामिनी राय की शैलीगत विशेषताओं के बारे में। यामिनी राय ने सामान्यतः आकृतियों व विषयों पर लयात्मक रेखाचित्र बनाए। इन्होंने जो रेखाचित्र बनाए वो बहुत ही लयात्मक थे। कुछ चित्रों में मोटी काली रेखाकृतियों में विशुद्ध चटकीले मोटे व अपारदर्शी रंग इन्होंने भरे। इन्होंने सुनिश्चित वक्र रेखाओं तथा सरल रूपाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कला में अपनाया और धीरे धीरे इनकी शैली काव्यात्मक या ऐन्द्रिक न रहकर सज्जात्मक होने लगी। वह कालीघाट शैली से दूर हटते चले गए, लेकिन उन्होंने इस शैली की विशेषताओं को अपनाए रखा। जैसे इस शैली में कौन कौन सी विशेषताएं थी, सभी आकृतियों में बड़े बड़े नेत्र थे, चेहरा अंडाकार और आंखों की जो पुतलियां है वो बिल्कुल गोल, हाथ पैरों पर काष्ठ शिल्प का सा प्रभाव इनकी कला को विदेशी कला परंपरा से सर्वथा अलग करता है। मतलब पूरी तरह से भारतीय प्रभाव। चित्रांकन में आकृतियां मध्य में तथा चारों ओर अलंकृत हाशिए है। इन्होंने जो आकृतियां बनाई है वो चित्र में मध्य में बनाई है और चारों तरफ जो हाशिए बनाए हैं उनको भी अलंकृत किया है, तथा कई आकृतियों में नेत्र मुखाकृति की सीमा रेखा से बाहर भी है। आंखें इतनी बड़ी बन गई है
कि वो चेहरे से बाहर आ रही है, जो अब अपभ्रंश शैली का प्रभाव प्रदर्शित करती है। जैसे अब अपभ्रंश शैली है उसमें क्या है कि आंखें है ना वो चेहरे से थोड़ी बाहर निकली होती है, तो वो प्रभाव भी इनकी कला में आया है। इनके चित्रों में समतल आरेखन बिल्कुल समतल है, वर्तुल तथा ठोस रूपाकार, छाया प्रकाश का अभाव, मतलब इन्होंने बिल्कुल समतल आकार चित्रित किए हैं, छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया है। चटकीले मूल रंगों की विभिन्न रंगतों का सघन प्रयोग इन्होंने अपने चित्रों में किया है, मतलब इन्होंने चटकीले रंग लगाए हैं वो भी समतल रूप से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है विशुद्ध लयात्मक रेखाओं की अभिव्यक्ति है। इन्होंने जो रेखाएं हैं वो कहीं मोटी कहीं बारीक, लेकिन रेखाओं में एक लय है जिसकी वक्रता तथा दीर्घ वृत्ताकारता आकृतियों को एक ओजस्वी रूप प्रदान करती है। यह तो हो गई इनकी शैलीगत विशेषताएं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इनके चित्रण के माध्यम, रंग एवं अन्य विषयों के रूप में इनको हम जानेंगे कि इन्होंने भारतीय कला को क्या क्या दिया। धन्यवाद।